हमारे समाज में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ें घटी हैं पहले भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर कर सकें हम जी। मेरा किरदार इसमें शबनम का है, जो कि रशीद की वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, और ये एक बहुत मासूम और काफ़ी भोली और इंटेलिजेंट भी है। तो ऐसी लड़कियाँ भी सफ़र करती हैं तलाक से, तो उसी के ऊपर एक ये जो पूरी स्टोरी है कि ऐसा ना हो, जो कितना पेन होता है वो पेन दिखाया है इस फिल्म के ज़रिए। देखिए सर, ये पहली बात जो है कि आपने कहा कि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो विषय है, ये कोई भी अच्छी चीज़ आप करने जाएंगे उसमें कॉन्ट्रोवर्सी तो होगी। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी से तो हम कलाकार लोग हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन साहब ने जब मुझे ये सुनाया, ये करेक्टर बताया मुझे, तो पहली बात तो मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे लेजेंड का है, हम उनके 5% बन सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मुझे करेक्टर सुनाया गया, जब स्क्रिप्ट मुझे बताई गई, तो हम लोगों की इस पर डिस्कशन हुआ कि शायद एक समाज को लेके हम एक कटाक्ष वाली बात करने जा रहे हैं। तो वो कटाक्ष अगर हम समाज के सामने रखेंगे तो उससे हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो फाइनली ये है कि हम कर रहे हैं कोशिश, और आप आजकल की न्यूज़ में, कल न्यूज़ में आप देखें, इसी विषय पर चर्चा है हर जगह। ये फिल्म हम पहले से कर रहे हैं, बट इसी विषय पर इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और इतने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, बट हम ऑलरेडी कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो वी आर सक्सीड, एक्चुअली वी आर डूइंग थिंग्स। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोमेंट हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उनके बीच में। ये वो जो दो पक्ष होते हैं, हस्बैंड वाइफ, मुझे लगता है कि पहले उनको ही आपस में किसी तीसरे को ना इन्वॉल्व करके आपस में समझौता, समझौता नहीं कहूँगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें लगता है कि वो चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही, तो अपने पेरेंट्स को या कुछ किसी ऐसे सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए कि जिससे वो रिलेशन आगे ग्रो हो सके और अच्छे से, क्योंकि रिश्ते बड़े कच्चे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, तो उनको संभाल कर रखना मुझे लगता है बहुत मुश्किल, और ये संभले रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि इस फिल्म का नाम है फिर उसी मोड़ पे, ये कहानी तीन तलाक के बारे में है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स में, हमारे देश में, कि एक हम जो बहुत आसानी से तीन तलाक कह देते हैं औरतों को, तो उस पर उसके बाद क्या बीतती है, और उन औरतों की कहानी कहने की हमने कोशिश की है। और ये कहानी कैसी लड़की की है, नाज जिसका कैरेक्टर का नाम है, जो कि किसी भी धर्म या किसी उसके आप अगर ना देखें कि भाई वो मुस्लिम है या हिंदू है, ये हर उस एक लड़की की कहानी है जिसके ऊपर डिवोर्स या तलाक जैसी का चीज़ बीतती है, और फिर उसकी लड़ाई आगे कैसे है कि नहीं, हमें हमारे समाज को ज़रूरत है कि आगे जाके इन चीज़ों से लड़े और अच्छे रिश्ते बने और ये रिश्ते ना टूटें, शादी ऐसे रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उसके बारे में। पहले जब ये दिल आशिका ना हुई मेरे साथ, जब मैंने की थी, तब वो एक दौर चल रहा था उस वैसी फिल्म्स का कि रोमांटिक फिल्म्स आती हैं, उसमें सॉन्ग्स होते हैं और न्यू कमर्स आते हैं। आज की फिल्म्स का मैं मानती हूँ कि दौर बहुत अच्छा चल रहा है फिल्म्स का, क्योंकि आज आपको कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिलता है, हीरो हीरोइन नहीं होते, हर फिल्म में कैरेक्टर्स होते हैं। और कॉन्ट्रोवर्शियल एक, मैं कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहूँगी, हमारे एक समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस फिल्म में, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बोल सकती उसको कि कॉन्ट्रोवर्सी है, बिकॉज ये हर घर की कहानी है, और इस ये मुद्दा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ज़रूर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, और कहानी हमारे बारे में है, एक कैरेक्टर के बारे में डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। आई थिंक
थिंक अभी तक तो हमारे देश ने कुछ निकाला नहीं, हमारे देश के कानून में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हमारी देश की औरतों पे ये जुल्म ना हो, बिकॉज बहुत बहुत टॉर्चर तो एक है ही, एक आपको एक पूरी आपकी लाइफ चेंज होता है, प्लस एक मेंटल टॉर्चर बहुत है एक औरत की जब वो इस चीज़ से गुजरती है। तो सोल्यूशन डेफिनेटली निकालना चाहते हैं और हम भी इस फिल्म के अनुसार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकले, और एक अपील है हमारी लोगों से कि आप प्लीज़ कोशिश कीजिए अगर इसका सोल्यूशन निकालना चाहे तो। यस, ऑब्वियसली किसी भी एक डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट के लिए चैलेंज तो होता ही। अब जैसे कि आपको पता ही, आजकल बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक है ये 3 तलाक का, और मतलब हम एक बात मानते हैं कि जो औरत जहाँ जिसने हमें जन्म दिया है हम उसी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, इज़ इट फेयर, ये हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। यही हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इस फिल्म के द्वारा भी कि भाई अत्याचार बंद करो, जो माँ है जो जननी है उसे पूज लो, समझने की ज़रूरत है। और हमारा संविधान भी इस बात को तो कहता है कि भाई सबके हक बराबर के हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। लेख जी तो गुरु हैं मेरे, मैंने तो मतलब एक बात है कि भाई बाप बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, लेख जी ने तो मेरे लिए वही किया। और कास्टिंग आपने किसी जाती है, जबीदर काम कर चुकी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनकी पहली फिल्म काफ़ी बड़ी हिट थी लेकिन काफ़ी समय के बाद वो एंट्री कर रही हैं, और बाकी जो किरदार आपने कास्ट किया उसका बेसिस क्या था कास्ट करने का? बेसिकली हमने ऑडिशंस किए और काफ़ी सारे ऑडिशंस किए, बट जो कैरेक्टर हमने डेवलप किया था, हमने जो क्रिएट किया था कैरेक्टर इस कहानी के लिए, तो ऑडिशंस के बाद हमें जिविदा का एकदम परफेक्ट फेस लगा उस कैरेक्टर के लिए, और उसका जो बोलने का तरीका था, एक ही लुक में हमने डिसाइड किया कि शी इज़ द परफेक्ट कैरेक्टर, शी इज़ द परफेक्ट लेडी फॉर द कैरेक्टर, एंड द मेन कैरेक्टर इज नाज। वो एक कैरेक्टर था कि भाई क्राइटेरिया यही था कि भाई क्या एक एक्टर उस कैरेक्टर में जाता है, और जीविदा परफेक्ट थी। आखिर में ये पूछना चाहूँगा, ये फिल्म का मतलब विषय सिर्फ आपको हाईलाइट करना है कि ट्रिपल तलाक है उसका विषय को, या ये भी दिखाना है कि सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? नहीं नहीं, सॉल्यूशन देखिए, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, सुप्रीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई जो मतलब रिलेटेड स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो सब बैठ के इस बात पे एक डिसीज़न लें कि जो गलत है वो गलत है तो कितना गलत है और कितना सही है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीज़न लें, और जो सही है वो कर लें। औरत के लिए क्या सही है ये तो हम सभी जानते हैं, क्या होपफुली जनवरी तक का हमारा प्लानअप है। थैंक यू।